लास्ट टाइम जब दर्शन करके आया था तो अविनाश ने बोला था कि मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो मैं शब्दों में बता नहीं सकता, और वो आज हम सब ने अनुभव किया है। ओ माय गॉड, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। मम्मी इंट्रो वाला आपका फेस देखो हुआ और मैं ये अरे ये हमारे कॉल नीचे में। अरे मम्मी ये लो अब एक बार दिखा रही हूं गैंगस्टर रुको भी मैं दिखाता हूं। मम्मी को दिखाओ ना। अरे अब ठीक है ऐसे करो ये चमक से ही लग रही है। अरे हमारा टेम्पो ट्रैवलर हो गया यहाँ पार्क। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ई रिक्शा करके गेट नंबर 1 पे। क्या हुआ तेरे को जगह नहीं मिली? चल एक बच्चा मेरे साथ आ रहा है। बैठो चलो बैठो सब आ जाएंगे। इधर कितने 1 2 3 4 5 आगे 6 7 8 9 10 11 12 में। मैडम भैया को उधर कर दो आप भैया। नहीं हो गया। अरे हो गया भाई साहब, चलो इधर आगे बैठ जाओ। मैं इधर बच्चों को इधर बैठा देता हूँ, एक को मैं इधर आ जाऊँ। हाँ सही है ना प्रतीक आप इधर आओ। तो जी आधे लोग चले गए इसमें, आधे लोग आ गए इसमें। हम लोग मंदिर में आ गए, एंटर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से किधर को जाना है। ये तो तब हाल है जब अविनाश पहले आके जा चुका है और उसके बाद भी इसको कुछ सब कुछ कंफ्यूजन है, हमें कहाँ कहाँ घुमा रहा है पता नहीं। यहाँ से हनुमान जी जल लेने आए थे। तो जी अभी हमें जो महाकाल के दर्शन हुए और जो आरती मिली है, ओ हो क्या ही बताएं आपको, मतलब कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी एनर्जी मैंने तो पहले फील की हुई है, मैंने महाकाल की आरती ली हुई है। जो अविनाश बोल रहा था ना कि लास्ट टाइम जब दर्शन करके आया था तो अविनाश ने बोला था कि मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो मैं शब्दों में बता नहीं सकता, और वो आज हम सब ने अनुभव किया है। ओ माय गॉड, वो जब आरती शुरू हुई और वो जो ड्रम बजने शुरू हुए, पहले तो कानों में जो ऐसा लगा कि टम करके कुछ बजा रहा। मतलब मैंने बहुत सारी आरतीज अटेंड करी हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी आरती किसी से कम होती होगी, बट ये बहुत डिफरेंट है। मतलब जैसा नाम है ना महाकाल, मतलब भाई आप वो फील करते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज रूप भी बहुत अलग था, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे देखने के लिए मिलेगा। निशा और मम्मी तो मतलब रोने ही लगे, बहुत रोई है निशा, बहुत रोई है मम्मी, रोई हुई है इवन प्रतीक के भी आंखों में आंसू थे। मैं एकदम नम थी, मैं बिल्कुल, मेरे पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। मैं सब लोगों को आई थिंक अगर थोड़ा बहुत कैप्चर हुआ हो और वो अगर आपको आपने देखा हो तो आप लोग दर्शन ले लो, आप लोग जो मांगोगे आई एम श्योर महाकाल सबको सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। मैं तो पहली बार यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा आने वाली हूँ। मेरा कहते हैं ना वो दो पूरी आरती में हम लोग वहाँ पे थे, लेकिन हमारी मेरी वो पूरी इच्छा ना पूरी नहीं हुई है, मुझे और देर रहना है आरती में। हम लोग भस्मारती करना चाहते थे लेकिन क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और भस्मारती सुबह 3 से 5 के बीच में होती है, तो हमने इस बार भस्मारती नहीं की, लेकिन बहुत जल्दी हम आएंगे और भस्मारती जरूर करेंगे। मैं बस ये बता सकती हूँ कि ये अद्भुत एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है कि हम सबको लेना चाहिए। आज जब मैंने वो एक्सपीरियंस लिया है ना, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो महाकाल के दर्शन जरूर करो। लाइफ में एक बार ये करना बहुत जरूरी है। मेरे को हो गए, मैं इसलिए बता पा रही हूँ, वरना तो मैं आपको कहाँ ही बताती कि ये सब करो। अविनाश ने जब बोला था ना मुझे लास्ट टाइम, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना क्यों बोल रहा है। मैं समझती हूँ अच्छा ही लगा होगा, लेकिन जब आज मैंने खुद की है ना, साक्षात जब आप देखते हो उनको, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे रूप में दिखेंगे। ऐसा श्रृंगार जो उन्होंने किया, और श्रृंगार में बता दूं ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है, तो वो ना हमें 1 घंटे निकलते हुए 45 मिनट्स के बाद हमें वो कहते हैं जब उनका श्रृंगार हो रहा होता है तब हमें बैठने का वो मिला वहाँ पे टाइम, और उसके बाद पूरी आरती में टाइम मिला। तो वो जो टाइम जब खत्म हो गया ना, तब भी ऐसा लग रहा था ओह खत्म हो गया, मुझे और बैठना था। आपको लगेगा मैं यहाँ से उठू ही नहीं। और महाकाल की आरती में ना एक लड़का, महाकाल का भक्त जो है, वो नगाड़ा बजाता है, और भाई साहब वो जो नगाड़ा बजाता है ना, ओ हो फैन हो गया मुझको, बहुत ही कमाल के। एक वहाँ पे पंडित जो आरती कर रहे थे, जो भोग लगा रहे थे, माय गॉड सब लोग बहुत ही कमाल किया है। मम्मी कैसे लगे दर्शन आपको? बहुत अच्छा, एकदम करीब से लगातार देखते रहे, पूरी आरती देखे। रो क्यों रही थी आप? आ गया ऐसे ही आंसू आ जाता। पापा कैसे रहे दर्शन? अरे बहुत अच्छे दर्शन थे, बिल्कुल सामने एकदम से बैठे ही रहे हम जब से। जय महाकाल। हमें पता चला कि आप आरती में रोई भी थी, कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छे मामा, बिल्कुल सही पता लगा है, बहुत अच्छे। जय महाकाल, जय महाकाल। इतना ज्यादा तगड़ा कि मेरी हार्ट रेट, मैंने घड़ियों चेक की, मेरी हार्ट रेट 132 चली हुई थी। हाँ, अगली बार जब आऊँ तो हार्ट अटैक ना आए, बस नहीं आएगा। जय महाकाल, जय महाकाल। मैं और मेरे श्री सामने मंत्र मुग्ध, मैंने कहीं और नहीं देखा, जबरदस्त ऐसे था साक्षात भगवान। क्या श्रृंगार किया था भाई, है ना? जय महाकाल की। ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले दर्शन थे, ऑसम, बहुत ही बढ़िया। जय महाकाल। मेरे को अच्छा वो लगा जब पहले उन्होंने अचानक से वो ड्रम बजाया और सब ऐसे उछल गए, गुम जान लग गए कि अचानक से क्या हुआ, है ना? फिर उन्होंने अचानक से आखिरी में ज्वाइंट में धम 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 किया, उससे ही हो गया। जो भैया नगाड़ा बजा रहे थे। हाँ। जय महाकाल। क्या कह रहे हैं? कह रहे ये सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के ऐसे रखे रहेंगे तेरे उठाने के लिए? हैं? ये बढ़िया है। आ रही है आपकी रिंग में? देखो करो, आ रही है, आ रही है, नहीं तो आ रही है। आप क्या ले रहे हो? मैं देख रहा हूँ आपको। अंगूठी चाहिए? एक ले ली, दो लूंगा। अब इतनी ढीली नहीं हुई कि अगर ऐसे भी करो तब गिर जाए। क्या लिया आपने? अच्छा ये सही, इसमें रबर बैंड है। और क्या लिया? बस यही लिया। ये ले रहे हो आप? अच्छा लग रहा है आपको? टाइट तो नहीं है? क्या टाइट तो नहीं है? ले लो। ब्लॉग में पूछे बोल रहा हूँ, बाकी टाइम कहाँ से बोलते हैं? 50 रुपए का नाम, बाकी टाइम एक्शन दिखा सकते हैं। बढ़िया साइज है ये, यही सही। ये देखो यार, ये वाला मैं भी लूँ, ऐसा एक ये वाला छोड़ के। लड़कियों का लग रहा है। हाँ तो ठीक है, लड़कियों का। ये दोनों चाहिए। जैसे इसने देखा कि मुझे ये वाला पसंद आया, मैं इसकी लाइट दे आपके ले रही हूँ। हैं भगवान, ये ले लिया ना शिव जी या नंदी जी। ये क्या खरीद रहा है? कटान बाहर निकलती है? नहीं है तो कटाना नहीं है, वैसे तो लट है मारने के लिए। तो जी यहाँ पे सबकी चाय आ गई है, सब लोग चाय पियेंगे। मैं मेरी चाय पी रही हूँ जो कि अलग से बनवाई है। पापा बिल्कुल ही अलग दूर बैठे हुए हैं हमसे। चाय बहुत टेस्टी लगी, देखिए ना मिठी है ना। चाय नहीं पीती, कटाना खरीद रहा था। तलवार की दुकान से होके आ रहे हैं। कटाना कटाना कह रहा भैया इससे गला कट जाएगा। उससे ही पूछ रहा है। काला धागा लेना है आपको, ऐसा वाला अमन भैया जैसा। अरे भाई तो पहले तो एक काला धागा ले लो। मैं नहीं ले रही कुछ भी। नहीं तो तुम्हें लेना क्यों है? मतलब कुछ जरूरत नहीं है ना। मिठी अपने लिए लेना है कि फ्रेंड के लिए लेना है? फ्रेंड्स के लिए लेना है ना। तो आपका ही साइज होगा सबका। अरे ऐसी क्या चीज ले रहे हो कि तीन लोग मिलके भी डिसाइड नहीं कर पा रहे? ये मैं बेटी को डिसाइड करवा रही ना। ये ले लो है ना, और उनके लिए ये ले लो जो काले वाले होते हैं। नजर का धागा ये जो भैया ने पहना है। और ये लिया जा रहा है लाइक दिस। किसके लिए? मम्मी के लिए। मम्मी के लिए तो वहाँ से लिया ना शिर्डी से। हाँ तो क्या हुआ, लेकिन बहुत गंदा कलर है मिट्टी को। यही अच्छा कलर भी बहुत। ठीक है ले लो। पूछा अगर कोई दूसरा पीस हो तो नहीं, कोई सिलेक्ट कराओ ना उसकी मम्मी के लिए। नहीं ये देख कलर अच्छा है लेकिन बहुत डल सा लग रहा है। तो लाइट की वजह से लग रहा है। वाइट अच्छा लगेगा उनपे। नहीं मैंने नहीं देखा। वाह पूछ रही हो ना तू, पूछ के जवाब भी खोली दे रही है। पूछ क्या रही है कि आपने मेरी मम्मी को देखा है? अच्छा लगा, देखा है हमने, देखा है। आपकी मम्मी एक लेडीज है, हमें पता है। गजरा लेगी। अरे साथ रहना, अकेले नहीं होना ना? तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं डमरू ना, डमरू वाला और रेस्टोरेंट। सब लोग खाना खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। तो जी अब हम लोग यहाँ से निकल गए मंदिर परिसर से और जा रहे हैं सीधा डमरू वाला रेस्टोरेंट खाना खाने। खाना खाने के बाद एक बार जब हम लोग बैठ गए टेम्पो ट्रेवलर में, फिर वो रुकेगा नहीं, फिर वो सीधा रुकेगा भोपाल। डमरू वाला खाना खा के देख लेंगे। ये डमरू वाला पूरा बनारस का माहौल है ना यहाँ नीचे। हाँ, अलग, इधर तो बहुत अलग है। ये आ गई है अविनाश की कुछ पूरी, गुलाब जामुन, सैलेड, दही, ये आलू की सब्जी और ये कुछ तो मिक्स सब्जी है। और ये भी वही है। हम लोगों ने कुछ और मंगवाया हुआ है तो हमारे लिए कुछ और आ रहा है। मतलब है थाली ये सबके लिए, बट कुछ चावल वाली थाली है, कुछ पूरी वाली थाली है। बदल दे क्या अपना सारा? एक काम करना, शेयर कर देना, मेरे को भी दिखाओ, टेस्ट कराओ। ये रोटी सूखी नहीं मिल सकती, घी लगी हुई है पूरी। ओ बाप रे बाप। तो जी डमरू वाले का खाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी खराब सर्विस। पता नहीं क्यों हमें किसी ने डमरू वाला सजेस्ट किया, उससे अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पे हैं। मुझे सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। घर में 5 लोगों ने 6 लोगों ने खाना ही नहीं खाया, उन्हें खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, तो हम कहीं और आए हैं। तो जी इन्होंने फिर से खाना खा लिया, 2 बार फिर से नहीं खाया। पहली बार भी नहीं खाया। ठीक है, वहाँ बाकी लोग खा रहे हैं अभी, अमन और बाकी बच्चे। और इधर जो डाइट पे थे वो अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं। ये आइसक्रीम शुगर फ्री है, ये इसमें सिर्फ प्रोटीन है, प्रोटीन बार है। ई रिक्शा वगैरह करके हम लोग आ गए पार्किंग में दोबारा। अब बैठ रहे हैं गाड़ी में, लेकिन हो गया बहुत लेट। 4 घंटे लगेंगे यहाँ से जाने में। तो भाई जयकारा वीर बजरंगी बोलो हर हर। निकल गए और अब यहाँ से 4 घंटे की क्लॉक लगा ली है। ब्लॉगिंग तो मुश्किल है करना, बहुत बुरी तरह थक गए। 4 घंटे तो लेंगे, 3.5 घंटे तो मैप में बता रहा है। आधा घंटा कोई अगर सुसु पॉटी के लिए उतर गया तो बच्चे हैं भाई, ये होता रहता है, उनके लिए नॉर्मल बात है ये। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली, और यहाँ पे एक पागल मौसी और उस मौसी का पागल भांजा मिलके गेट लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। भांजा ही है पागल, नहीं मुझसे नहीं होगा। और वो जो दरवाजा खोलता है वो आता कहाँ से है? कौन शख्स हमारे लिए दरवाजा खोलता है वो आता कहाँ से है? चलो चलो भाई सो जाओ, चलो 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 भाई सो जाओ, खत्म करो, चलो भाई गुड नाइट। भाई साहब अपने अपने रूम में आ गए हैं, रात के हो रहे हैं 2:30। आपको मिलते हैं कल भैया, टिल देन गुड नाइट।